तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर सेंटर पे। फ्रेंड्स, देखिएगा, आप सभी को पता है कि आज जो हम वीडियो लेके आए थे, काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी जो है आरएसीटी महामैराथन यानी 3 अक्टूबर 2021 को होने वाले एग्जाम के लिए एक महामैराथन अवश्य होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसी पहल के अंदर आप सभी की तैयारी को एक मजबूत धार देने के लिए संध्या कंप्यूटर एक मुहिम लेके आया है, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको एक और महामैराथन जो है यहाँ से चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, और पहले वाले वीडियो को भी आप सभी लोगों ने बहुत ही पसंद किया, उसका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। फ्रेंड्स, आप विद्यार्थियों का प्यार देख के हम जो है आपका आपके लिए ये जो है सेकेंड महामैराथन लेके आ रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी जो हमारे सर हैं ये भी आपको थोड़ा बहुत बोलेंगे, उसके बाद में अपनी क्लास यथावत रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से एक प्रकार से पूरी हो जाएगी। तो सभी को हमारे संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत के तौर पे हम देखेंगे, और कल होने वाले आपके लिए, कल होने वाले एग्जाम के लिए ये एक बहुत बड़ी महामैराथन चलाई जा रही है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आप इस महामैराथन के जरिए आप परीक्षा की खोपड़ी में सेध करेंगे, सीधा फ्रेंड्स वार करेंगे परीक्षा के एग्जाम पर। क्योंकि फ्रेंड्स, हमने पहली जो महामैराथन ली थी उसके अंदर लगभग लगभग सारा का सारा हमने मैटर प्रोवाइड किया गया है, करवाया है हमारे द्वारा, लेकिन उसमें कुछ विश्लेषण जो अभी और भी स्टूडेंट के डिमांड के ऊपर हम करना चाहते हैं, संपूर्ण एक से लगा के 16 चैप्टर तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से बनने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, इन पूरे टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार पुनः आपके स्वागत के तौर पर यहाँ पर देखना चाहता हूँ। सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर एक से लगा के संपूर्ण आरएसीटी, यानी उससे बाद फ्रेंड्स जहाँ तक मुझे विश्वास है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बाकी हम बहुत सारे यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मॉडल पेपर करवा रहे हैं, तो उन मॉडल पेपर को भी आप अवश्य रूप से देखें, लेकिन ये एक प्रकार से आपके लिए आरएसीटी का हैवी डोज होने वाला है। फ्रेंड्स, आरएसीटी का ये हैवी डोज होने वाला है, तो कोई भी स्टूडेंट इस डोज को मिस नहीं करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपको इस महामैराथन के जरिए परीक्षा की खोपड़ी में सेध करना है। परीक्षा की खोपड़ी में सेध करना मींस 90% से अबव बनाना है। तो सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। अभी फ्रेंड्स हम बिना टाइम गवाए क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सभी के सभी जो एक से लगा के 35 जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, श्योर ये हमारा वादा है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरुआत से लगा के एंड तक पूरा देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे परसेंटेज बन सके। तो फ्रेंड्स, अपन अब जो है अपने एक से लगा के 16 टॉपिक सारे डाउट क्लियर इस एक ही सेशन के अंदर जो है आप सभी को यहाँ से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन जो है इस देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारी है महामैराथन तो वैसे पहले हो चुकी है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि आपका टाइम ज़्यादा ना लेके हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी को शॉर्ट में आपको देने की प्रोवाइड करेंगे, और जो भी हैं आपको क्वेश्चन वाइज विश्लेषण जो है इस वीडियो में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और भी आप अगर विस्तृत में पढ़ना चाहोगे तो हमारे मॉडल पेपर के थ्रू है, महामैराथन के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को अपन शुरू करेंगे, और जो सबसे पहला है जो अपन शुरू करेंगे वो अपने पहले टॉपिक से करेंगे, यानी कि जो आपका कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, सीधा का सीधा मैं वहाँ से जो है आपके इस टॉपिक को शुरू करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जो अपना सबसे पहला ही जो है टॉपिक है वो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है ना। अब देखिएगा, मैं हिंदी में भी साथ में बोलता रहूंगा कि यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब देखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके आरएसीटी एग्जाम के अंदर एक आध क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। हालांकि फ्रेंड्स देखिएगा, पहले टॉपिक से नहीं बना तो बिल्कुल नहीं बनेगा, बट अगर बना तो फिर आपका कहां से बनेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से बनने की पूरी संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, अपन है जो सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, अगर वैसे मैं बात करूं तो आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है इसको दो भागों में
बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है मेरे फ्रेंड्स? दो भागों के अंदर बांटा जाता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो साइज स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। क्या? एंड परफॉर्मेंस। साइज स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। और अगर मैं दूसरी साइड में बात करूं तो ऑपरेटिंग थ्योरी के बेस पे है ना, ऑपरेटिंग थ्योरी के आधार पे है ना, यानी कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे ऐसे आप दो प्रकार से कंप्यूटर को वर्गीकृत कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिएगा, साइज स्टोरेज एंड कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो आपका होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सुपर कंप्यूटर आपका होता है, उसके बाद में आपका मेन फ्रेम होता है, उसके बाद में मिनी कंप्यूटर होता है, और उसके बाद में आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो ये तो आपके कौन से हैं? साइज स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के आधार पे हैं। जबकि अगर मैं ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे बात करूं तो आपका होता है एनालॉग, डिजिटल एंड थर्ड आपका जो होता है हाइब्रिड होता है। कौन सा होता है मेरे फ्रेंड्स? हाइब्रिड होता है। तो देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा आप सभी को यहाँ से सीखने को मिलेगा क्या क्या टॉपिक आपके रह सकते हैं, यानी यहाँ से जैसा भी आपका क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बताने का पूरा कष्ट करूंगा। यानी कि देखिएगा फ्रेंड्स, साइज स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस के आधार पर अपन अगर बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि इसका जो है सही तौर पर जो क्रम क्या है ना। तो आप क्या याद रखोगे? सबसे पहले सुपर है, उसके बाद मेन फ्रेम है, उसके बाद में मिनी है, उसके बाद में माइक्रो है। उसके बाद में फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से नहीं है। तो एक ऑप्शन आपको यहां से दिया जाएगा और तीन ऑप्शन है जो आपको यहां से दिए जाएंगे, तो आपको आसानी से पहचानना है मेरे फ्रेंड्स। देखिएगा, यहां से आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर बात करता है तो ये जो तीन कंप्यूटर है इनके नाम आप सभी को पता होने चाहिए। अब इनके अलावा जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स मैंने पहले भी बोला है कि वीडियो को ज्यादा लेंथी न रख के अपन क्या करेंगे, इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की अगर अपन बात करते हैं तो वैसे मैं आपको बोल के ही बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। यानी कि अगर सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर आपका सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। कैसा होता है? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। यानी कि सबसे पहला अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आपका कौन सा होता है, शक्तिशाली कंप्यूटर आपका कौन सा होता है, तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी लोग याद रखेंगे कि आपका जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो आपका कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। उसके नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यानी कि सुपर कंप्यूटर में एक आपका जो और क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा CDC 6600 से बनेगा। यानी कि ये क्या है? आपके वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? CDC 6600 वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे? ये जो है आपका CDC 6600। अगर आपको भारत का पूछता है, यानी कि भारत का सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बताओगे? परम कंप्यूटर बताओगे। क्या बताओगे मेरे फ्रेंड्स? परम है जो भारत का सबसे प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। यानी कि सुपर कंप्यूटर से जो क्वेश्चन बनेंगे ये क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग, तो मैं आपको बोल के बता देता हूं कि मौसम की भविष्यवाणी है, नाभिकीय जो है आपके परमाणु बम वगैरह है उनके परीक्षण है, मिसाइलों का परीक्षण है, नासा और इसरो जैसे हैं जो संस्थान है आपके सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो यहां से फ्रेंड जो है सुपर कंप्यूटर का जो है मैटर पूरा का पूरा यहां से क्लोज हो जाता है। इसके बाद मेरे फ्रेंड्स आपको एक भी क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से केवल आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं, उपयुक्त कथन सही है या गलत है, तो आपको बताना गलत है क्योंकि ये सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। यानी कि यहां से याद रखना है कि सबसे शक्तिशाली सुपर होता है, सबसे महंगा आपका कौन सा होता है? मेन फ्रेम होता है। जबकि नेक्स्ट मैं बात करता हूं मिनी कंप्यूटर की, तो देखिएगा मिनी कंप्यूटर के जो उदाहरण है वो अगर हालांकि पूछते नहीं है बट कभी कभार पूछे जाते हैं तो आप याद रखेंगे SDS 92। एक तो ये है, एक आपका होता है Textus Instrument TI 990। ये हैं और आपके जो हैं इनके अलावा मेरे फ्रेंड जो हैं आपको मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिलेंगे STS-92, Textus Instrument TI-990। और जो माइक्रो कंप्यूटर हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं? एक आपका डेस्कटॉप पीसी हो जाता है, डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप है ना, आपका एंड्रॉयड मोबाइल,
एंड्रॉयड मोबाइल, ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं आपके सारे के सारे किसके माइक्रो के उदाहरण हैं, तो ये जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ K202 भी आपका होता है किसके अंदर, मिनी के अंदर। तो यहाँ से मेरे फ्रेंड जो है आपको केवल यही देखने को मिल सकता है, माइक्रो में आपका टैबलेट फैबलेट भी आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं तो इनका जो संबंध होता है वो मेरे फ्रेंड्स आपका मापन कार्यों से होता है, यानी कि ऐसे कार्य जिसको अपन माप सकते हैं, जैसे कि आपके आपके जो बाइक होती है, गाड़ी होती है, उसके अंदर जो स्पीडोमीटर होता है, तो वो मेरे फ्रेंड्स आपका किसका उदाहरण है, एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। और आपके जो है यानी कि मापन, गणना, दबाव, जैसे जो भी इनका जो कार्य करेगा वो आपका कौन करेगा, आपका एनालॉग करेगा। अगर गणना की बात आती है काउंटेशन की, तो आपका कौन करता है, डिजिटल कंप्यूटर करता है। जबकि दोनों की बात आती है तो मेरे फ्रेंड्स आपका कौन है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसके अलावा आपको जो है पहले टॉपिक से ज्यादा चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी अनावश्यक बातें आपको पढ़ने से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि अपने पास जो टाइम है केवल और केवल 3 दिनों का अपने पास में टाइम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पहले टॉपिक से ही कि कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर स्पीड होती है। ये जो सारी बातें मैं केवल आपको बोल के बताऊंगा, क्योंकि जो पहले वाली मैराथन है उसमें सारी बातें हो चुकी है। तो देखिएगा, स्पीड होती है, उसके अंदर क्या होती है, परिश्रमशीलता होती है, उसके अंदर और क्या होती है, यानी कि कार्य स्टोरेज कैपेसिटी उसकी हाई होती है। तो ये जो भी बातें हैं इनके बारे में आप अच्छे से जानते हो कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता होती है। जबकि अगर आपसे सीमा का पूछता है तो आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होती, सोचने की क्षमता नहीं होती। क्या नहीं होती, सोचने की क्षमता नहीं होती। क्या नहीं होती, सोचने की क्षमता नहीं होती। एक उसका अपन बोल सकते हैं इसी लैंग्वेज में कि उसका जो IQ लेवल है वो कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। और इसमें बुद्धि का अभाव होता है। तो ये जो है आपको सीमा याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी विशेषता है, कौन सी सीमा है, तो यहां से आपको पता चलेगा कि उसके जो है सोचने की क्षमता तो नहीं होती, IQ लेवल उसका जीरो होता है, उसमें बुद्धि का क्या होता है, अभाव होता है। तो ये सारी की सारी क्या है, कंप्यूटर की सीमाएं हैं। इसके अलावा उपयोग की अपन अगर बात करते हैं तो घरों में उपयोग आप सभी को पता है क्या क्या हो सकते हैं, स्कूलों में क्या क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इन टॉपिक के बारे में अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका जो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी वाला जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा। देखिए फ्रेंड्स, अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि अपन वीडियो को लेंथी कर सकें, क्योंकि इससे पहले अपना जो वीडियो है वो फुल डिटेल में है। और इस वीडियो के अंदर से भी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 90 से क्रॉस आराम से जा सकता है। इसके अलावा जो है आपको 90 से और भी क्रॉस करने के लिए आपको मॉडल पेपर की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो हम आपके लिए टाइम टाइम पे लेके आते रहेंगे। इसके बाद में अपन सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, जो आपका है पूरा का पूरा किसके बारे में है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग के बारे में है, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम है पूरा का पूरा जो है उसके बारे में ही है आपका जो है दूसरा टॉपिक, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपका उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा, सबसे पहले अपन अगर दूसरे टॉपिक की बात करते हो, इसमें जो है आपको सारे के सारे जो है हार्डवेयर देखने को मिलेंगे, यानी हार्डवेयर के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। अब हार्डवेयर मैंने आप सभी को अच्छे से बताया भी होगा, हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत बार सुनने को मिला होगा कि भाई हार्डवेयर उन डिवाइसों को बोला जाता है जिनको यूजर अपने हाथों से टच कर सकता है ना, तो उन सभी डिवाइसों को आप क्या बोलोगे, हार्डवेयर बोलोगे। इसके अलावा मेरे फ्रेंड जो है आपके हार्डवेयर तो ये होते हैं, आप इसके बारे में डेफिनेशन तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, बाकी ये आप याद रखोगे कि एक तो कौन सा होता है आपका, इनपुट होता है, आपका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग और एक आपका कौन सा होता है, आउटपुट होता है। कौन सा, आउटपुट। ये जो है पूरा का पूरा जो हार्डवेयर है ये आपके इन तीन चीजों से आपका मिलके बना होता है ना, यानी कि आपका एक प्रकार से कंप्यूटर है आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिश्रित रूप होता है आपका कंप्यूटर। और ये जो हार्डवेयर के अंदर फिर जो भाग होते हैं आपके, इनपुट होते हैं, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है। जब भी आप कोई भी अपना निर्देश दोगे तो वो एज ए इनपुट के रूप में होगा, यानी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद में कंप्यूटर क्या करेगा, उसकी प्रक्रिया करेगा जो CPU के माध्यम से होगी, और CPU का पूरा नाम वगैरह आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके बाद में एज ए रिजल्ट के रूप में
जो आपको दिखेगा वो मेरे फ्रेंड्स आपको क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा। अब ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं सीधा का सीधा इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करूंगा। और इनपुट डिवाइस में आपकी जो सबसे पहले होती है वो आपका कीबोर्ड होता है। अब कीबोर्ड से जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में बात करूंगा, ज्यादा एक्स्ट्रा बातें आपको नहीं बताऊंगा। तो देखिएगा कि जो आपका कीबोर्ड है कौन सा कीबोर्ड, अब कीबोर्ड से क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं सिंपली केवल उनको समझो कि कीबोर्ड के अंदर सबसे जो ऊपर जो की होती है F1 से लगा के F12 तक होती है, इनको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, फंक्शन की बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फंक्शन की बोला जाता है। अब देखो F1 का क्वेश्चन आता है, आप क्या बताओगे, हेल्प के लिए होता है ना। F1 को जब भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी आपको किसको प्रेस करना होगा, F1 को। F2 का पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, रीनेम बताओगे। क्या बताओगे, रीनेम। F3 का अगर आपसे पूछा जाएगा आप क्या बताओगे, फाइंड या सर्च आप बोल सकते हो, है ना। यानी किसी को फाइंड करना या सर्च करने के लिए आप किसको करोगे, F3 का। और आपका जो F4 होता है ना, F4 को आपको अल्ट के साथ में करना होगा, किसके साथ में, अल्ट के साथ में। तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन स्थिति में आ जाता है ना, शट डाउन की स्थिति में, डायरेक्टली शट डाउन करने की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ में F4 होती है। F5 जो है आपका, वैसे तो डेस्कटॉप की बात करूंगा तो रिफ्रेश के लिए होता है, और अगर पावर पॉइंट की बात करूंगा तो जो आपकी PPT है यानी जो स्लाइड शो है ना, स्लाइड शो को क्या करता है, स्टार्ट करता है, क्या करता है, स्टार्ट करता है। F7 का पूछा जा सकता है तो स्पेलिंग एरर के लिए होता है, किसके लिए, यानी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती है, स्पेलिंग एरर, यानी कि जो आपकी वर्ड में वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि होती है उसको पहचानने का काम कौन करेगा, F7 करेगा। उसके अलावा F11 का याद रखो तो रख लेना, इसका क्या होता है कि एक्सेल में जो होता है आपका शॉर्ट मेन्यू, इससे क्या होता है, इंसर्ट होता है। जबकि F12 मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना क्या होता है, सेव एज होता है। क्या होता है, सेव एज। अब सेव और सेव एज में आप सभी को पता होगा कि जब भी अपन पहले बार सेव करते हैं तो वो तो आपका क्या है, सेव है, जबकि सेकेंड टाइम उसी फाइल को संशोधित करके आप जो सेव करते हो वो आपकी क्या कहलाती है, सेव एज कहलाती है। तो मेरे फ्रेंड जो है फंक्शन की से आपको इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इनके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट जो है मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिएगा ये जो है आपका ज़्यादा टाइम अपने पास में है नहीं, और वैसे भी अपनी जो है महामैराथन पहले बनी हुई है तो मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। उसके बाद में है जो अपना नेक्स्ट जो है वो अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, और कॉम्बिनेशन जो है आपका दो या से ये तीन आपकी की हो जाएगी, कौन कौन सी, कंट्रोल है, अल्ट है और शिफ्ट है, है ना। अब इनके केवल नाम याद रखने हैं, इनके अलावा ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, वैसे मैं बताने को बता दूंगा इनके बारे में। उसके अलावा आपकी जो है टॉगल की आपकी कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक है, नम लॉक है, और आपकी है स्क्रॉल लॉक। इसके अलावा जो है आपकी होम का आप पता रखना, मैं केवल सिंपल से बताऊंगा, एंड का पता रखना, डिलीट का पता रखना और बैक स्पेस का पता रखना, और एक याद रखो तो एस्केप और आपकी विंडो, इन सभी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो ये कॉम्बिनेशन तो क्या है कि इनका यूज आप कब करोगे, जब आपको शॉर्टकट के रूप में यूज में लेना होगा, यानी शॉर्टकट की बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। टॉगल की मेरे फ्रेंड्स, कैप्स लॉक क्या होता है, जो आपके जो लेटर होते हैं उसको स्मॉल या कैपिटल करने के लिए होता है। उसके बाद नम लॉक, यानी नंबरों को लॉक ऑन करने के लिए होता है। स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल को लॉक और ऑन करने के लिए होता है। जबकि होम मेरे फ्रेंड्स ये जो है आपको क्या करता है कि आपकी जो है लाइन के प्रथम अक्षर पर कर्सर को लेकर जाता है। क्या करता है, लाइन के प्रथम अक्षर पर कर्सर को लेकर जाता है। ये जो सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं, अगर इसमें समझ में नहीं आए तो पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लेना। यहां से एंड में क्या होता है कि एंड से क्या करता है, होम से लाइन के पहले पे आ रहा है कर्सर। कर्सर का मतलब यही होता है कि जो लाइन में आप लिख रहे हो ना, जहां से आपने लिखना, यानी यहां तक लिखा है, तो आपका जो वो ब्लिंकिंग होता है ना, तो वो यहाँ पे होगा, तो ये आपका कर्सर है ऐसे। तो एंड से क्या होता है कि आपका कर्सर एंड में होता है। डिलीट से क्या होता है, डिलीट होता है। बैक स्पेस
यानी कि इनकी मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि आप किसी भी जो है पैराग्राफ के अंदर अगर बैक से आप याद रखना, क्या याद रखोगे, बायां, अगर बाएं से दाएं, और अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप किसका क्या करोगे, एक एक अक्षर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस करोगे, जबकि डी से आप क्या याद रखोगे, दायां याद रखोगे, क्या याद रखोगे, दायां, यानी दायां अक्षर मिटाने के लिए डिलीट, बायां अक्षर मिटाने के लिए बैक स्पेस आपका होता है। स्केप में मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको किसी भी फंक्शन से अचानक बाहर आना है तो फिर आप क्या करोगे, एस्केप करोगे, जबकि विंडोज से मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, आपका स्टार्ट बटन लॉन्च होता है। तो इतने से बातें कम से कम आपको कीबोर्ड से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका मैं माउस के बारे में आपको बताऊंगा नहीं ज़्यादा। माउस आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जो माउस के अंदर तीन बटन होते हैं, आप सिंपली समझो केवल लेफ्ट राइट और स्क्रॉल, ये तीन बटन होते हैं। लेफ्ट से आप किसी भी फाइल को है जो आप ओपन कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, यानी कि एक बार करोगे तो आपकी सिलेक्ट होगी, दो बार करोगे तो ओपन होगी। राइट बटन से आपकी क्या होती है कि जो भी फाइल है उसकी प्रॉपर्टी आपके सामने शो होती है, और जो स्क्रॉलिंग है आपकी जो फाइल ऊपर नीचे होती है वो सारी की सारी कहाँ से होती हैं, स्क्रॉल बटन से होती हैं। और जो माउस है, माउस के अंदर एक प्रोसेस पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस बोला जाता है, यानी किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माउस के द्वारा ले जाना आपका क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। तो इतनी सी बातें कम से कम आपको माउस से पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा इनपुट डिवाइस से, ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आएगी, और जो है आपको जॉयस्टिक का पूछा जा सकता है। अब मैं सीधे क्वेश्चन बताऊंगा, जॉयस्टिक का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका जो होता है वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए, क्या होता है, वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेरे फ्रेंड्स आपको जो मेन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको कहां से मिलेंगे, OMR है, OCR है, MICR है, और आपको BCR से देखने को मिल सकते हैं, है ना। आप OMR का पूरा नाम आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। उसके बाद में OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या होता है, रिकॉग्निशन। उसके बाद में MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आपका है BCR यानी कि बार कोड रीडर। अब देखो ये जो आते हैं है ना आपकी सारी की सारी कौन सी है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है देखने को मिल सकता है कि OMR का एक तो पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अब इसका जो यूज होता है वो क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को जांचने के लिए हो सकता है, OMR शीट को जांचने के लिए हो सकता है, तो ये सारे के सारे जो हैं आप याद रखोगे। उसके बाद में OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम होता है, और इसका उपयोग जो है आपको कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान करने के लिए OCR का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन की, तो इसका उपयोग है जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है BCR बार कोड रीडर, और इसका उपयोग कहाँ पे, आपने बहुत सारी वस्तुएं खरीदी होगी जिन पे क्या होता है बारकोड होता है, और उसको एक मशीन से स्कैन किया जाता है, उसी मशीन को क्या बोला जाता है, बारकोड रीडर बोला जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर इससे आगे भी मैं अगर मैं बात करूं आपके इनपुट डिवाइसेस के, तो यहां पे ही मैं लिख देता हूं, यानी कि ये जो जॉयस्टिक तो आप सभी को पता होगा, एक मेरे फ्रेंड्स आपको माइक्रोफोन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, कहां से, माइक्रोफोन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये भी आपकी क्या होती है, इनपुट डिवाइस ही होती है, क्या होती है, इनपुट डिवाइस ही आपकी होती है, बट ये क्या करती हैं आपके उस जो भी हैं आपकी आवाज़ को इनपुट के रूप में लेती हैं, क्या करती हैं, आवाज़ को इनपुट के रूप में लेती हैं, कौन, माइक्रोफोन।
तो यहाँ से ये बातें कम से कम आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स अगर कोई बातें रह जाएगी इनपुट डिवाइसेस से तो मैं आपको जो है मॉडल पेपर के थ्रू बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ये इतनी सी बातें क्लियर हो जाएगी तो भी आपका क्वेश्चन यहाँ से ही टपकेगा मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। अब जो आउटपुट डिवाइस है उनको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो को ज़्यादा लेंथी भी नहीं बनाना है कि जिससे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अगर वीडियो लेंथी बन गया ना तो फिर पहले वाली मैराथन और इस वाली मैराथन में बिल्कुल भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि दोनों वीडियो एक जैसे बने, इसीलिए आप सभी को इस वीडियो के अंदर जो केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वही बताने जा रहा हूं। बाकी उससे अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो पहले वाली मैराथन को आप अवश्य देखिए, दोनों वीडियो को देख लेना मेरे फ्रेंड्स, आपका 90 से क्रॉस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस। अब जो आपके आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आपने नाम सुना होगा क्या होता है, मॉनिटर होता है, यानी कि मेरी स्पीड फास्ट है, मेरे को फ्रेंड्स पता है कि स्पीड फास्ट है बट टाइम कम होने की वजह से स्पीड फास्ट रहेगी। आप वीडियो को जो है रोक रोक के आप जिसको भी लिखना है वो आराम से लिख सकता है क्योंकि आपके पास तो टाइम है, लेकिन हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंड्स अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो फिर आप लोगों को ही देखने में परेशानी होगी। अब देखिएगा जो है आपके आउटपुट डिवाइस होती हैं मॉनिटर होती हैं, और मॉनिटर आपके जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फ्लैट पैनल आपका होता है, एक आपका कौन सा होता है, सीआरटी होता है, कौन कौन से, फ्लैट पैनल और सीआरटी। अब सीआरटी से जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना केवल ये क्वेश्चन बनेगा कि इसका पूरा नाम क्या है, तो आप बता सकते हो क्या है, कैथोड रे ट्यूब इसका पूरा नाम है, क्या है मेरे फ्रेंड्स, कैथोड रे ट्यूब इसका पूरा नाम होता है। जबकि जो फ्लैट पैनल है आपके दो होते हैं, एलईडी होता है और एलसीडी होता है, कौन कौन से, एलईडी और एलसीडी होता है। अब जो एलईडी है इसका पूरा नाम मैं इधर लिख देता हूं, आपका क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, क्या है मेरे फ्रेंड्स, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट तो आपका है आपका एलसीडी, इसका है आपका लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये इतनी सी बातों को आपको पता रखना है, बाकी मेरे फ्रेंड्स जो है आप समझ सकते हो कि यहाँ से ये जो आपका होता है मॉनिटर इस, और ये जो इस विकर्ण से इस विकर्ण को मिलाने वाली जो रेखा है आपकी क्या कहलाती है, ये पूरा का पूरा रेजुलेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, रेजुलेशन। और जो मॉनिटर का रेजुलेशन मापा जाता है वो मेरे फ्रेंड्स आपका किस में मापा जाता है, पिक्सल के अंदर मापा जाता है। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे कि फ्लैट पैनल मॉनिटर के प्रकार कौन कौन से हैं, तो एलईडी एलसीडी ये क्वेश्चन, कैथोड रे ट्यूब का पूरा नाम तो सॉरी सीआरटी का पूरा नाम तो कैथोड रे ट्यूब, इसका पूरा नाम एलसीडी का, तो आप क्या बताओगे, एलसीडी का अगर पूछे तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अगर एलईडी का पूछता है तो लाइट इमिटिंग डायोड, मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मापा जाता है तो पिक्सल के अंदर मापा जाता है। इसके अलावा यहाँ से जो है मॉनिटर से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स अगर मैं नेक्स्ट बातें करूँ तो आपको जो है देखने को मिल सकता है प्रिंटर, प्रिंटर प्रिंटर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, दो प्रकार के ये भी होते हैं, कौन कौन सा, इंपैक्ट होता है और नॉन इंपैक्ट आपका होता है, नॉन इंपैक्ट, ये दो प्रकार के आपके प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। अब मेरे फ्रेंड्स जो आपका इंपैक्ट है, इंपैक्ट के अंदर आपको कौन कौन से आपको देखने को मिल सकता है और नॉन इंपैक्ट में आपको कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, तो यानी कि ये जो है आपको मैंने पहले भी अच्छे से बता रखा है बट मेरे फ्रेंड्स जो है आपका इसके अंदर जो है इंपैक्ट के अंदर आपका और क्या क्या हो सकता है कि आपका एक तो कैरेक्टर हो सकता है, एक आपका कौन सा हो सकता है, लाइन प्रिंटर हो सकता है, ये जो है आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। नॉन इंपैक्ट में आपको जो है थर्मल है, लेजर है, ये वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं। और प्रिंटर से जो आपका है एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो आपके डीपीआई में मापी जाती है। ये मेरे फ्रेंड जो है मैं सारी की सारी बातें आपको पहले बता चुका हूँ, डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच होता है, क्या होता है, डॉट पर इंच इसका पूरा नाम होता है। और आपका जो है इसकी जो स्पीड है आपके पीपीएम में मापी जाती है, और पीपीएम का जो पूरा नाम आपका होता है पेज पर मिनट होता है, क्या होता है, पेज पर मिनट होता है। इसके अंदर मेरे फ्रेंड जो है आपको पता रखना है लेजर का पता रखना है, थर्मल का पता रखना है, और आपका एक जो और होता है वो आपका कौन सा, हाँ एक मिनट, ये जो लेजर का आप थर्मल का आप याद रखना, गर्म धातु का उपयोग करता है, क्या करता है,
गर्म धातुओं का ये उपयोग आपका करता है। और इसके अंदर फ्रेंड्स जो है आप डेसीबल वगैरह उनको डॉट मैट्रिक्स उनको भी आप पता रखना, ताकि अगर आपका यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा ये जो फ्रेंड्स हैं इम्पैक्ट हैं नॉन इम्पैक्ट हैं इनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को जो है मिल सकता है क्वेश्चन। एक जो आपका इंक जेट भी यहाँ से होता है, इंक जेट हैं, लेजर हैं और थर्मल हैं। ये जो तीन प्रिंटर हैं मेरे फ्रेंड्स, इंक जेट किसका उपयोग करता है? इंक का स्प्रे। क्या करता है? इंक का स्प्रे। उसके बाद में जो है लेजर, ये जो थर्मल है आपके गर्म धातु का प्रयोग करता है, इनके बारे में आप पता रखेंगे। लेजर वगैरह है ये आपके किसका होता है? नॉन इम्पैक्ट का होता है। एक मेरे फ्रेंड जो है आपका प्रिंटर जो होता है उसका नाम क्या है? प्लॉटर है। हालांकि प्रिंटर के वर्गीकरण से इसको बाहर रखा गया है प्लॉटर को, बट जो है आपका इसके बारे में भी है कि ये क्या करता है? हाई क्वालिटी के वेक्टर का उत्पादन करता है। क्या करता है? हाई क्वालिटी के वेक्टर का उत्पादन करता है। यानी कि मेरे फ्रेंड्स आपने जो बड़े बड़े बैनर देखे होंगे वो सारे के सारे किसके उदाहरण होते हैं, यानी किससे वो निकाले जाते हैं? तो आपके प्लॉटर प्रकार से प्रिंटर से निकाले जाते हैं। तो प्रिंटर के बारे में ये इतनी सी जानकारी पर्याप्त होगी। इसके अलावा भी अगर आपको देखनी हो तो आप पहले वाली क्लास में भी देख सकते हो, बाकी फ्रेंड जो है मॉडल पेपर के थ्रू भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीधे के सीधे, अपन जो है स्पीकर वगैरह आप सभी को पता है आउटपुट होते हैं। इसके अलावा जो है और आपके जो आउटपुट डिवाइस हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे सीधी की सीधी बात करेंगे अपन मेमोरी की। अपन सीधे की सीधे मेरे फ्रेंड्स बात करेंगे मेमोरी की। और मेमोरी आप सभी को बताएं कि काम क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है। क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है। अब जो कंप्यूटर के अंदर जो आपकी मेमोरी होती है तीन प्रकार की होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, उसके बाद में जो आपकी होती है थर्ड जो आपकी होती है कैश मेमोरी होती है। कौन सी? कैश मेमोरी होती है। अब मेरे फ्रेंड्स जो हैं आपको ये तीन मेमोरी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए कि कैश मेमोरी है जो सबसे जो है आपकी महंगी मेमोरी होती है। कैसी होती है? सबसे तेज व सबसे महंगी मेमोरी आपकी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। और ये जो मेरे फ्रेंड्स है जो प्राइमरी है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी होती है? तो आपकी रैम और रोम, रैम और रोम, ये दो ऐसी मेमोरी है जो आपका प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल होती हैं। इसके अंदर अगर मैं रैम की बात करूं तो पूरा नाम आप सभी को पता होगा क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर रोम की मैं बात करूं तो आपका क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। मेरे फ्रेंड्स जो है आपकी जो ये है रैम एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। कैसी है? अस्थायी मेमोरी, क्योंकि फ्रेंड्स लाइट जाने के बाद में जो डेटा है जो रैम के अंदर होता है अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो क्या हो जाता है? मिट जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अस्थायी मेमोरी बोला जाता है। यानी प्राकृतिक रूप से अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो आप क्या याद रखोगे? रैम मेमोरी होती है। जबकि जो आपकी है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि प्राइमरी तो है बट फ्रेंड्स इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है उसको कभी भी आप बदल नहीं सकते। एक बात को इसको आप याद रख सकते हो। जो कैश मेमोरी है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सबसे महंगी होती है, सबसे तेज होती है, और सीपीयू और रैम के द्वारा जो अधिकाधिक जो उपयोग में ली जाने वाली मेमोरी होती है वो भी आपकी कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सीपीयू और रैम के द्वारा अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली मेमोरी कौन सी होती है? तो फिर आप क्या बताओगे? कैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट जो है आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जो है किसके बारे में आपको पता रखना है? तो हार्ड डिस्क के बारे में आपको पता रखना है। किसके बारे में? हार्ड डिस्क के बारे में आपको पता रखना है। ब्लू रे डिस्क इसके बारे में आपको पता रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सीडी डीवीडी के बारे में आपको पता रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका पेन ड्राइव वगैरह जो भी है ना, तो ये जो भी आपके सामने मैं नाम ले रहा हूँ कम से कम इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो हार्ड डिस्क है इसका स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। एक्सटर्नल तौर पे ये यूज होने वाली मेमोरी है, इसीलिए इसको किसके अंदर रखा है? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रखा जाता है। इसके अंदर मेरे फ्रेंड्स जो है चुंबक का भाग पाया जाता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। ब्लू रे डिस्क में आप पता रखना कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 50 GB से 500 GB तक होती है। कितनी होती है? 50 GB से
500 GB तक ब्लूरे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी आपकी होती है। CD और DVD आपकी किसके अंदर आती हैं, तो ऑप्टिकल प्रकार के सेकेंडरी डिवाइस के अंदर आपकी मेमोरी के अंदर आती हैं, तो इनके बारे में पता रखेंगे। और भी बातें हैं CD DVD से मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव भी आपकी कैसी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और इसको मेरे फ्रेंड्स फ्लैश मेमोरी भी बोला जाता है। अब CD और DVD के बारे में जो है, CD के बारे में ये दो बातें आप याद रखना, CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क आपकी रिकॉर्डेबल होती है, यानी कि इस प्रकार की मेमोरी को आप एक बार क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, उसके बाद में इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। जबकि जो है आपका CDRW कैसी है, CDRW और CDRW का मीन्स होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी कि जिसके अंदर आप अपने डेटा को वापस लिख सकते हो, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। और आपकी जो होती है इसके बाद में एक और मेमोरी होती है WORM, और इसका मीन्स क्या है, राइट वंस रीड मैनी, क्या है, राइट वंस रीड मैनी, ये इसका पूरा नाम होता है, क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, राइट वंस रीड मैनी। और जो राइट वंस रीड मैनी है इसका मीन्स ही क्या होता है कि एक बार तो क्या होगा लिखा जाएगा, लेकिन बार बार इसके अंदर क्या होगा पढ़ा जाएगा। तो ये जो है मेमोरी आपकी बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाती है। इनके अलावा मेरे फ्रेंड जो है आपको मेमोरी से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो अपन को बात करनी है वो करनी है अपने तीसरे चैप्टर से, यानी कि देखिएगा फ्रेंड्स, जो मेरे को पता है कि मैं आपको जो भी बातें हैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब जो है हमारे सर आएंगे आपको तीसरे चौथे टॉपिक के बारे में बता देंगे, पाँचवें छठे के बारे में वापस में, यानी कि फ्रेंड्स इसी कड़ी में जो है अपन अपनी इस महामैराथन क्लास को एक सफलतापूर्वक फ्रेंड्स पता कर लेंगे। और भी अगर कोई जानकारी रहती है तो मेरे फ्रेंड्स आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी रहने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स हर साल की बात ही, इस साल भी आपका जो स्कोर है 90 से क्रॉस ही बनेगा, ये हमारा अनुभव बोलता है कि कैसे क्वेश्चन आपके सामने RACET एग्जामिनर पेश कर सकता है। तो यानी कि फ्रेंड्स तीसरे टॉपिक के लिए आपको सर पढ़ाएंगे, यानी कि वो आपका टॉपिक है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, सभी को ध्यान रखना है, टॉपिक काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे सर। और फ्रेंड्स जहाँ तक मुझे उम्मीद है, हमने पहले वाली महामैराथन के अंदर मतलब कोई भी हमने कसर नहीं रखी थी, और इसके अलावा भी मतलब इसके अंदर केवल हमने RACET का विश्लेषण किया था, है ना, इसके अंदर RACET का विश्लेषण करने के लिए हमने यहाँ पे टॉपिक बनाया है। लेकिन आपको ध्यान देना है, अभी हम बात केवल उनके बारे में करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, है ना, वरना भी क्या हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, जो मैं ऑप्शन बताता हूँ वो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। टॉपिक नंबर 3 से हम यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स आप इसी तरह से YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर रेगुलर वे से हम मॉडल पेपर जो अपलोड कर रहे हैं, उन मॉडल पेपर को भी आप एक बार अवश्य रूप से देखें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। टॉपिक को क्लियर करना है तो मॉडल पेपर से हमें थोड़ा वापस सहयोग लेना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, तीसरा जो चैप्टर है, जो तीसरा चैप्टर है, यूनिट नंबर जो तीसरा है, इस तीसरे यूनिट से आपको ध्यान रखना है, पूरी तरह से बात किसके बारे में हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, आपको ध्यान देना है, इसमें बात हो रही है फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो रही है। अब फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो फ्रेंड्स हमें अभी ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना भी वीडियो क्या हो जाएगा, 5 से 6 घंटे का हो जाएगा। इतना लेंथी वीडियो नहीं बनाना, हमें शॉर्ट वे से इस टॉपिक को पूरा करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, मैं आपको ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ कि कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को हैंडल करता है, यानी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एकदम अधूरा सा लगता है। तो आपको ध्यान देना है ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सीधे ही उनके ऊपर हम बात करते हैं, ज़्यादा विश्लेषण अभी नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताइए, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताइए। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, एक तो ये कार्य करता है, थोड़े फ्रेंड्स मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है फ्रेंड्स। पहला यहाँ पे कार्य होता है कि ये यूजर और क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर, आपको ध्यान देना, यूजर और कंप्यूटर के बीच ये क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच का एक तो ये क्या करता है, इंटरफेस करता है। आपको ध्यान देना, यूजर और कंप्यूटर के बीच का ये क्या करता है, इंटरफेस करता है। दूसरा आपको यहाँ पे टॉपिक याद रखना, जो इसमें
एक्चुअली पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान देना, दूसरा इसके अंदर ऑप्शन पूछा जाएगा कि ये क्या करता है, सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होगा, ये किसका भाग होगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आप इसको कह सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना इसका कार्य क्या होता है, तो जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब जैसे आप कंप्यूटर ऑन करेंगे जिसके अंदर आपका कार्य किया जाता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपका कार्य व्यवस्थित होता है, आपके द्वारा जो कार्य होते हैं पूरी तरह से किसके अंदर होते हैं, एप्लीकेशन के अंदर ही होते हैं। तो ये क्या करता है, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन जो क्या होते हैं सॉफ्टवेयर होता है, उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये क्या करता है, रन करवाता है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या करता है, रन करवाता है, ठीक है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये क्या करता है, रन करवाता है। और तीसरा यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, आपको ध्यान देना है सभी हार्डवेयर भागों को, हार्डवेयर बोले तो आपको अभी सर ने बताया हार्डवेयर मतलब वे पार्ट जिसे यूजर टच कर सकता है, कीबोर्ड माउस मॉनिटर सीपीयू जॉयस्टिक जो भी हमने बताया है वो उसके अंदर आ जाएंगे, यानी जितने भी हार्डवेयर भाग होते हैं, ठीक है फ्रेंड, जितने भी हार्डवेयर भाग होते हैं उन हार्डवेयर भाग को भी मैनेज कौन करता है, हार्डवेयर को मैनेज कौन करता है, तो हार्डवेयर को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, हार्डवेयर को मैनेज करने का कार्य भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट यही बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य कौन कौन से होते हैं, ए पे लिखा हुआ मिलेगा, यूजर और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस या आदान प्रदान करवाना, सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करवाना, सभी हार्डवेयर भागों को मैनेज करना, तो इसका राइट आंसर आप करेंगे उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहां से देखो मैं इस टॉपिक से कम 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा, बाद में सीधे चौथे टॉपिक के अंदर चलेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है, दूसरा देखो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, दूसरा फ्रेंड्स आपको याद रखना है, दूसरा यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह की अवधारणा के ऊपर कार्य करता है, तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो देखो आपको याद रखना है, इसके अंदर होता है GUI, क्या होता है फ्रेंड्स, GUI होता है, और एक होता है CLI। तो यहां से सीधा ही क्वेश्चन बनेगा, कई बार तो इनकी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो दो क्वेश्चन यहां से भी आपके हो जाएंगे। अगर GUI का पूरा नाम पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है इसका पूरा नाम हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। एक तो होता है ये, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा के अंदर जो होता है वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। फ्रेंड्स क्या बोलेंगे इसको, या तो आप कह सकते हैं कमांड लाइन और यहां पे कह सकते हैं इंटरफेस, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं CUI भी कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है, तो CUI भी आपको सही देखना है, या CUI के अंदर यूज इसका मतलब हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है यहां पे, आपको याद रखना है CUI का मतलब क्या हो जाएगा, कमांड यूजर इंटरफेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमांड यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस, और CLI लिखा हुआ मिलता है तो कमांड लाइन इंटरफेस, दोनों एक ही बात है फ्रेंड्स, CUI बोलो आप या CLI बोलो, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अब ज्यादा इसमें नहीं करेंगे। देखो कमांड देने की वजह से इसके अंदर मतलब दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो इसके अंदर कार्य करने में सक्षम होते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि CLI पर निर्भर ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको याद रखना है ऐसे ही आपको दो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूं। एक तो आपको लिखना है MS-DOS, एक तो आपको यहाँ पे लिखना है MS-DOS, और एक आपको यहाँ पे याद रखना है यूनिक्स। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसके ऊपर निर्भर होता है, CUI या CLI के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एग्जाम में दिखाई दे इन दोनों के अलावा, वो सारे के सारे आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, GUI के अंदर। जैसे GUI की बात करें तो इसमें अगर मोबाइल के रूप में देखा जाए, क्वेश्चन बन सकता है कि मोबाइल OS के रूप में आपको देखा जाए किसका, GUI की श्रेणी में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर याद रखेंगे, आपको याद रखना एक तो हो जाएगा एंड्रॉइड, एक हो जाएगा एप्पल iOS, एक फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है एक हो जाएगा विंडोज फोन। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना है तीनों मैंने नाम लिखे, एंड्रॉइड एप्पल iOS और यहां पे
विंडोज फोन, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मोबाइल की श्रेणी में भी किस श्रेणी के कहलाएंगे, GUI की श्रेणी के कहलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों किसके है, मोबाइल के है। अभी मैं लिख रहा हूँ जो GUI की श्रेणी में आते हैं वो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएंगे। तो मैं आपको आपके सामने यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से। तो पहला यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ विंडोज 10, क्या हो जाएगा विंडोज 10। विंडोज 10 सबसे नवीनतम वर्जन है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसका यह भी क्वेश्चन बन सकता है, उससे पहले कौन सा था, विंडोज 8.1, तो ये भी किस श्रेणी में आएगा, GUI की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है विंडोज 7 है, विंडोज 7 है, इसके अलावा विंडोज XP है, इसके अलावा विंडोज विस्टा है। और भी अगर आपको पूछा जाता तो अनेक और भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI की श्रेणी में आते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं लिनक्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, काफी सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो GUI की श्रेणी में आते हैं, इन दोनों को छोड़ के ये दोनों किस में आ जाएंगे, CLI के अंदर आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है सबसे नवीनतम पूछा जाता है तो कौन सा है, विंडोज 10। अगर इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें स्टार्ट बटन डेस्कटॉप के ऊपर लॉन्च नहीं था, तो आपको याद रखना है विंडोज 8 या 8.1 होता है, इसमें स्टार्ट बटन, इसमें आपको याद रखना है स्टार्ट बटन है वो डेस्कटॉप के ऊपर सवती नहीं था, है ना, स्टार्ट बटन है वो डेस्कटॉप के ऊपर नहीं था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ही हम बात करते हैं जो इसके अंदर इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनने चाहिए, मतलब उसके बारे में डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं, बाकी इतना आप याद रख लेना। इससे बार अगर बनता है क्वेश्चन तो फ्रेंड्स वो ओनली फॉर जब मैं लिखवा रहा हूँ वहां तक ही बन सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप एक बार याद रखना। वीडियो मतलब थोड़ा यहाँ पे स्पीड से करवा रहे हैं, हमें मालूम है क्योंकि टाइम काफी कम है और वीडियो ज्यादा लेंथी हो गया तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम वही क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने लायक है, और फ्रेंड्स वो आपको याद करना जरूरी है। बाकी जो ऐसे पीछे कोई क्वेश्चन रहेंगे तो हम आपको मॉडल पेपर के जरिए हम सारा का सारा यहाँ पे आपका डाउट क्लियर करवा देंगे। अब देखो विंडोज 10 की कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स होते हैं जो आपको एवरी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, आपको ध्यान रखना है, एक तो पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, सीधा सा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखना ये विंडोज 10 के अंदर आपको ध्यान रखना है, विंडोज 10 के अंदर या विंडोज 10 में आप कह सकते हैं विंडोज 10 में इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप, इनबिल्ट यहां पे आपको याद रखना है वेब ब्राउजर के रूप में यूज किया जाता है, या आप कह सकते हैं डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के रूप में, आपको ध्यान रखना है विंडोज 10 के अंदर डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी का फ्रेंड्स पुराना नाम पूछा जाता है विंडोज 7 के अंदर वगैरह क्या था, तो आप इतना याद रखना इसका था इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या था इंटरनेट एक्सप्लोरर का, ये नवीनतम वर्जन आप कह सकते हैं, ये आप याद रखना इंटरनेट एक्सप्लोरर का नवीनतम वर्जन जो विंडोज 10 में लॉन्च किया गया, तो आप याद रखना माइक्रोसॉफ्ट एज ये बाई डिफॉल्ट रूप से यूज होने वाला यहाँ पे बाई डिफॉल्ट रूप से यूज होने वाला विंडोज 10 में क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना वेब ब्राउजर का उदाहरण है। एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे बन सकता है स्निपिंग टूल्स का, फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान देंगे स्निपिंग टूल्स का, ये स्निपिंग टूल्स इतना याद रखना किसके लिए ये काम करता है, तो कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा प्रदान करता है, कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट आपको अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस कमांड या किस यूटिलिटीज प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है स्निपिंग टूल्स का उपयोग किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके अंदर एक ऑप्शन पूछा जाता है कई बार, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप थोड़ा यहाँ पे याद रखेंगे। आपको ध्यान देना है कि विंडोज 10 के अंदर एक महत्वपूर्ण है जहां से हम बोल के कोई सर्च कर सकते हैं, है ना, जो एक प्रकार से आपको याद रखना है सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे आपको ध्यान देना है सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्या हो जाएगा कोर्टाना,
देखिए फ्रेंड्स, हम ज्यादा इसको विश्लेषण देखो, ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको याद रखना है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा गहराई में नहीं जाना, इतना याद रखना है कि कोर्टाना क्या है। तो कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट, आपको ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होने वाला एक क्या है, एक वर्क प्रोग्राम है, जहां से कोई यूजर बोल के सर्च कर सकता है, या इसका सीधा सा याद रखना है कि सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है। विंडोज 10 में ये किसकी तरह इस्तेमाल होता है, सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किसे किया जाता है, या फिर किसे सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो आप कोर्टाना याद रखना। इसके माध्यम से आप वॉइस बोल के सर्च कर सकते हैं, इसलिए इसको वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के रूप में जाना जाता है। वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें मतलब बोल के भी सर्च कर सकते हैं कोई भी। इसके अलावा आपको याद रखना एक ऑप्शन है जो इंपॉर्टेंट है, मैथ इनपुट पैनल। थोड़ा ध्यान देंगे, स्पीड से करेंगे, मैथ इनपुट पैनल। तो आप थोड़ा ध्यान देना, मैथ इनपुट पैनल का क्वेश्चन बनता है तो क्या बन सकता है कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम या गणितीय, आपको ध्यान रखना है, गणितीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए, गणितीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, गणितीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आप इतना याद रखना कि मैथ इनपुट पैनल। मैथ इनपुट पैनल क्या कार्य करता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विकसित किया गया एक यूटिलिटीज प्रोग्राम है विंडोज 10 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात विंडोज 10 के अंदर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि RSIT चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे नवीनतम वर्जन विंडोज 10 के बारे में पूरा चर्चा की गई है। विंडोज 7 होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन नवीनतम कौन सा है, विंडोज 10। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसमें बात किसके बारे में हो रही है, विंडोज 10 के बारे में। क्वेश्चन भी यहां से सीधे सीधे बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, बाकी सीधा ही हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। यहाँ से ज्यादा ऑप्शन एग्जाम में जो बनने लायक है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक फ्रेंड्स आप याद रखना, इसमें क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है रिसाइकल बिन का, आपको याद रखना है रिसाइकल बिन का क्वेश्चन बनता है। रिसाइकल बिन क्या है, तो यूजर के द्वारा डिलीट की गई फाइल, यहां पे यूजर द्वारा जो फाइल डिलीट की जाती है, यूजर के द्वारा डिलीट की गई फाइल, यूजर के द्वारा डिलीट की गई फाइल होती है वो क्या होती है, अस्थाई रूप से सेव की, अस्थाई रूप से सेव करता है। ठीक है, या फिर सेव होती है। फ्रेंड्स रिसाइकल बिन के अंदर क्या होता है कि यूजर जो फाइल डिलीट करता है तो वो डिलीट की गई फाइल अस्थाई रूप से कहां पे सेव होती है, तो आपको याद रखना है रिसाइकल बिन के अंदर होती है। इसके अलावा एक इसका और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको कहा जाता है फाइल एक्सप्लोरर, या फिर आप कह सकते हैं इसी को विंडो एक्सप्लोरर। ये क्या कार्य करता है, आपको याद रखना है कि अपने कंप्यूटर में फाइल और फोल्डरों को, आपको ध्यान रखना है विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित किसके अंदर किया जाता है, आपको याद रखना है विंडोज 10 में फाइल और फोल्डरों को व्यवस्थित करने की बात हो या क्रम में करने की बात हो, तो फाइलों और फोल्डरों को क्रम में या व्यवस्थित करने का कार्य कौन सी एप्लीकेशन करेगी, फाइल एक्सप्लोरर करेगी। इसके अलावा देखो इसमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना इस तीसरे टॉपिक से और जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक आप यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख पाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा कि फोल्डर क्या है, क्या है फ्रेंड्स फोल्डर, तो फोल्डर क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, फाइलों का संग्रह है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, फोल्डर कहलाता है। फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, फोल्डर। और जो फाइल होती है, फाइल किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है फाइल क्या होती है, आंकड़ों का समूह आप कह सकते हैं या डेटा का समूह कह सकते हैं। डेटा का जो समूह होता है या आंकड़ों का जो समूह होता है वो फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्या कहलाता है, फाइल। और फाइलों का जो संग्रह होता है, फाइलों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, फोल्डर कहलाता है। तो फ्रेंड्स ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करिए, तीसरे टॉपिक से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन बताए वो यहाँ पे आपके लिए काफी है। इससे बार जो भी ऐसे क्वेश्चन एक दो होंगे तो मैं आपको मॉडल पेपर के जरिए कवर करवाऊंगा, बस यहाँ पे आपका तीसरा टॉपिक हो जाता है पूरा।
ठीक है फ्रेंड्स, 100 टॉपिक के अंदर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इसमें एक से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने लायक है, बाकी बस फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पांचवा, सट्टा, सातवां, आठवां, इसमें से आपको एक या दो दो ऑप्शन आपको याद रखना है, सीधे उसमें क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर ही वार करेंगे, कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यान देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे बात अभी खत्म हो गई है, टॉपिक यहाँ पे सौता जो होता है वो होता है पूरा इंटरनेट के बारे में। क्या होता है फ्रेंड्स? सौता टॉपिक है वो पूरा किसके बारे में? इंटरनेट के बारे में है। तो आपको याद रखना है, इंटरनेट यहाँ पे पूछा जा सकता है। पहली बात तो आप सीधा याद रखना, इसमें सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरनेट के मैं तीन ऑप्शन लिखवा देता हूँ सीधा यहाँ पे, जल्दी से यहाँ पे लिखेंगे या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो इंटरनेट को कहा जाता है सूचना का सुपर हाईवे, आपको याद रखना है सूचना का सुपर हाईवे किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट को कहा जाता है। एक आपको सीधे यहाँ पे याद रखना है कि जो इंटरनेट होता है इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे बोलेंगे, नेटवर्कों का नेटवर्क किसे बोलेंगे, तो आप ध्यान देंगे नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपको याद रखना है ये सबसे बड़ा, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यह सबसे बड़ा वैश्विक, यह सबसे बड़ा वैश्विक या फिर आप कह सकते हैं सार्वजनिक नेटवर्क होता है, जो इसका उपयोग हर कोई भी कर सकता है। सार्वजनिक नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक या सार्वजनिक नेटवर्क कौन सा? इंटरनेट। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है, ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेट क्या है, तो तीनों ऑप्शन मिलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन आपको वहां पे लिखे हुए मिलेंगे। एक आपको याद रखना, एक होता है इंट्रानेट, एक आपको याद रखना है इंट्रानेट। तो इंटरनेट, इंट्रानेट के बारे में इतना याद रखना, इससे इस प्रकार से भिन्न है इंटरनेट से, इंटरनेट ये भिन्न है कि ये क्या होता है, ये निजी नेटवर्क होता है, बस इतना याद रखना। इंटरनेट होता है वो कौन सा नेटवर्क है, तो पूछा जाए तो आपको याद रखना निजी नेटवर्क, और इंटरनेट कौन सा है, सार्वजनिक नेटवर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको सीधा सा याद रखना है, इसमें जो बन सकता है टॉपिक वो बन सकता है कि भाई इससे इंटरनेट कनेक्टिविटी के कौन कौन से प्रकार है जहां से इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं, बाकी मतलब हमारे पास में भी काफी सारे टॉपिक रहे हैं, उन सभी टॉपिक को एक बार क्लियर करना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार है, फ्रेंड्स इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार पूछे जाए, आपको याद रखना इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार पूछे जाते, तो इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार में कौन कौन सा होता है, तो एक तो होता है मॉडेम, एक तो होता है फ्रेंड्स मॉडेम, एक फ्रेंड्स आपको याद रखना है वाईफाई होता है, एक फ्रेंड्स आपको याद रखना है डीएसएल होता है, एक फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसी के अंदर उपग्रह भी होता है। ये फ्रेंड्स मैं लिखवा रहा हूं, ये सब क्या है, इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसमें केबल होती है, इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं, आपको याद रखना है एक और भी होता है 3G होता है, 4G होता है, ये सारे के सारे किसके प्रकार है, इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार है। लेकिन यहाँ से आपको यहाँ पे याद रखना कि ये इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार है। अब सीधा आप यहाँ पे आ जाइए, इस 3G और 4G में जी का मतलब होता है जनरेशन। एक तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि नेटवर्क होता है 3G 4G, इसमें जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन। एक यहाँ पे आपको याद रखना है DSL क्या है, तो DSL केबल का प्रकार होती है, केबल इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर इसका पूरा नाम होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके अलावा आपको याद रखना है वाईफाई का पूरा नाम पूछा जा सकता है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है, क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है मॉडेम का, इंपॉर्टेंट है मॉडेम का, मैं लिखवा देता हूं, मॉडेम तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल मॉडेम, जो बाहरी मॉडेम होता है, एक तो क्या होता है एक्सटर्नल मॉडेम जो बाहर वाला मॉडेम होता है, एक होता है इंटरनल मॉडेम जो आंतरिक मॉडेम कहलाता है, जो लैपटॉप में वगैरह उपयोग किया जाता है इंटरनल मॉडेम, और एक होता है जिसको कहा जाता है पीसी कार्ड मॉडेम। तो बस इतना मतलब ये काफी है, आपको इतना याद रखना है कि मॉडेम एक क्या है, मॉडेम इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। इसका पूरा नाम पूछा जाए मॉडेम का तो क्या होता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, बस आपको याद रखना, यही क्वेश्चन बन सकता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर।
और मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या कार्य करता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या कार्य करता है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रो ये एक ऐसा मतलब इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टिविटी का प्रकार है जो आने वाले बाहर से एनालॉग सिग्नल को किसमें बदलता है, डिजिटल में बदलता है। तो इसका कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। आप याद रखना एनालॉग से डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनालॉग से डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेट और डिजिटल से एनालॉग में करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेट कहा जाएगा। उल्टा सीधा जस्ट काम करता, थोड़ा ध्यान देंगे आपको याद रखना है। इसके अलावा और इसमें कौन कौन से टॉपिक है थोड़ा ध्यान देंगे, आपको याद रखना है इसमें और कौन कौन से टॉपिक है इसमें, मतलब आपको पूछा जाएगा, इसमें आपको पूछा जाएगा कि एक तो वेब ब्राउजर के उदाहरण पूछे जा सकते हैं, सर्च इंजन के प्रकार पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वो आप एक बार देख लीजिए, इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उसको एक बार देख लीजिए ताकि आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स और भी हम पूरा व्यवस्थित बता दे, लेकिन आपको याद रखना है ये ऑनली फॉर विश्लेषण हो रहा है RSCRT के ऊपर, जो बनने लायक है जो सारा का सारा मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे बार अगर बनेगा तो आपको मॉडल पेपर के अंदर दिख जाएंगे। मेरे ख्याल से इससे बार बनने की संभावना नहीं है। आप देखेंगे एक इंटरनेट जो कनेक्शन होता है उसमें आपको याद रखना है वेबसाइट होती है, और वेबसाइट के आगे एक तो ऑप्शन लगता है www, एक उसी वेबसाइट के आगे लगता है HTTP, एक उसी वेबसाइट के अंदर जो सर्च की तरह कार्य करता है, किसी लोकेशन को खोजने की तरह कार्य करता है वो होता है URL, और एक इसी प्रकार से किसी डोमेन नाम की तरह कार्य करता है वो होता है DNS। इन सभी की फुल फॉर्म आ सकती है, इसका पूरा नाम क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका होता है डिजिट डोमेन नेम सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसके अलावा आपको याद रखना है इसका पूरा नाम आए तो आप याद रखना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फ्रेंड्स फुल फॉर्म कई बार आ सकती है, फुल फॉर्म में हर एक मॉडल पेपर के अंदर डाल रहा हूं, अभी इसमें हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपको याद रखना एक होता है URL, URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका क्या हो जाएगा पूरा नाम हो जाएगा। तो अभी देखो इसमें एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी वेबसाइट में डोमेन नेम का पता लगाने वाला, डोमेन यानी किसी नाम विशेष के बारे में बात हो रही है वेबसाइट के अंदर, तो नाम विशेष को यहाँ पे पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा DNS का उपयोग किया जाएगा। जबकि किसी वेबसाइट में किसी स्थान विशेष को खोजने की बात हो रही है तो वहां पे आपको याद रखना है किसका कार्य हो जाएगा URL का कार्य हो जाएगा। जैसे एक होता है इसमें IP क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि आईपी एड्रेस कैसा होता है, तो आपको याद रखना है इसमें उदाहरण देता हूं 192.0.0.1 यानी इस तरह से नंबरों में होता है क्या, किसी भी डिवाइस का कंप्यूटर का जो आईपी पता होता है वो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। क्वेश्चन कई बार बनता है कि इसमें किसका उपयोग होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक डोमेन नेम की तरह ये कार्य करेगा या फिर आईपी पता के रूप में आप कार्य करेंगे। जैसे मान के चलो किसी वेबसाइट में ये क्या है, जैसे किसी वेबसाइट के पीछे .com लगा है तो .com यहाँ पे क्या है कॉमर्स का एक कॉमर्शियल वेबसाइट का एक यहाँ पे एक उदाहरण माना जा सकता है। .com का मतलब होता है यहाँ पे .commerce यानी कॉमर्शियल वेबसाइट का ये लगता है। तो आपको याद रखना है डोमेन नेम के अंदर आपको याद रखना है बहुत सारे होते हैं जैसे .in, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है .com हो गया, .in हो गया, .edu हो गया, ये सारे के सारे जो आपको वेबसाइट के पीछे जो लगते हैं डॉट के बारे में, ये सभी डोमेन नेम के प्रकार है। किसके प्रकार है डोमेन नेम, लेकिन उच्च स्तरीय होने की वजह से इनको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है, यानी ज्यादा यूज होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है, टॉप लेवल डोमेन के अंदर इनको रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस तरह से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इस तरह से आपको याद रखना। एक और भी यहाँ पे आप लिख सकते हो सर्च इंजन जो होता है, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है सबसे पॉपुलर है वो कौन सा है, गूगल।
सबसे पॉपुलर कौन सा है? गूगल है। गूगल के अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है याहू भी है, याहू के अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है बिंग भी है। तो ये सारे के सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे, नेटस्केप नेविगेटर है, ठीक है फ्रेंड्स, आस्क मी है, ये सारे के सारे फ्रेंड्स क्या है? सर्च इंजन के प्रकार है। इसके अलावा आपको मतलब जो वेब ब्राउजर पूछा जाता है कि वेब ब्राउजर कौन कौन से होता है, आपको याद रखना है वेब ब्राउजर जो होता है, वेब ब्राउजर के अंदर आपको याद रखना है कौन कौन से हो जाएंगे। तो गूगल क्रोम हो जाएगा, मैं महत्वपूर्ण लिख देता हूँ कौन कौन सा हो जाएगा, गूगल क्रोम हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब ब्राउजर में, यहाँ पे लिख देता हूँ वेब ब्राउजर में, यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे गूगल क्रोम होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है मोजिला फायरफॉक्स होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है, डिफॉल्ट रूप से आपको याद रखना है इसके अंदर जो यूज होता है, मैंने अभी आपको बोला था कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एजबी, ये वेब ब्राउजर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट अगर पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज, तो माइक्रोसॉफ्ट एजबी इसका उदाहरण है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसके अंदर आ जाएगा, ओपेरा मिनी आ जाएगा। मैं आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर के अंदर ये सारा करवा रहा हूँ, तो वहां से भी आप एक बार इसको कवर कर लीजिएगा। आपको ध्यान देना है कि ये सर्च इंजन होता है और ये क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। आपको याद रखना है सर्च इंजन एक समय में क्या क्या कार्य करता है, तो आपको याद रखना है एक तो करता है वेब क्रॉलिंग। आपको याद रखना है क्या क्या कार्य करता है, तो वेब क्रॉलिंग करता है, या फिर आप कह सकते हैं वेब स्पाइडर, वेब या पे क्रॉलिंग कोई भी कह सकते हैं, एक या पे कह सकते हैं सर्चिंग, एक या पे कह सकते हैं इंडेक्सिंग। तो ये एक सर्च इंजन के वास्तविक समय में होने वाली प्रक्रिया होती है, वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, सर्चिंग और इंडेक्सिंग, ये सब किससे संबंधित है, सर्च इंजन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इससे बार मुझे नहीं लगता कि आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, अगर फ्रेंड्स ऐसे कोई क्वेश्चन पीछे रह जाता तो मॉडल पेपर के माध्यम से अवश्य रूप से करवाऊंगा। अब फ्रेंड्स छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कई बार क्वेश्चन बनते हैं और कई बार काफी कम बनते हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको सर यहाँ पे पूरा अच्छे से बता देंगे। इसके अलावा मैं आपको बोल देता हूँ एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं पूरी तरह से उन टॉपिक का विश्लेषण करके आपके सामने पेश करूंगा इन टॉपिक को। एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन पूरे टॉपिक से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे मैं आपके सामने लेके आऊंगा। बाकी इसमें से क्वेश्चन काफी कम बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से बनता है। चलो अभी आगे से ये बताएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा ना बने इसलिए हम जल्दी से जल्दी क्लास को कवर करेंगे पूरा। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को इस क्लास में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, हालांकि पहली मैराथन तो बहुत अच्छी गई थी, और इस मैराथन में भी फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, जो भी अपने टॉपिक हैं उनको छोटे छोटे भागों में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे फ्रेंड्स क्या है कि आपका समय भी ज़्यादा व्यर्थ ना हो और आपको टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स देखिए हुआ, हो सकता है कि कोई बातें अगर रह जाती हैं तो आप पुरानी मैराथन से देख सकते हो, बाकी देखिए पढ़ाने वाले हम ही हैं, बस आप लोगों की डिमांड की वजह से हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। उसके बाद में अपन जो बात करते हैं वो पांचवें टॉपिक की मेरे फ्रेंड्स करेंगे, जो आपका है डिजिटल भुगतान के बारे में है। किसके बारे में है मेरे फ्रेंड्स, डिजिटल भुगतान के बारे में जो है आपका पांचवा टॉपिक है, तो यहाँ से अपन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब देखो डिजिटल भुगतान आप सभी को पता है कि क्या होती है, इसके अंदर आपको ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह ये सारे के सारे देखने को मिलेंगे। अब ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है ये आप सभी को पता है, इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, है ना। यानी ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है कि आपका जो ये पांचवा टॉपिक है मेरे फ्रेंड्स वो आपका किसके बारे में है, ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में है पूरा का पूरा, है ना। अब आपकी जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है इंटरनेट के माध्यम से होने वाली जो बैंकिंग है आपकी क्या कहलाती है, ऑनलाइन बैंकिंग कहलाती है। और ऑनलाइन बैंकिंग क्या अगर अपन फायदे की बात करते हैं तो ये आप सभी को बताएं कि 24x7 होती है, समय की बचत होती है और आपका इसके इसमें क्या होती है, लागत कम होती है। जब भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आएगा आप समझ लेना उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन होगा, है ना। एक क्वेश्चन तो आपको यह देखने को मिल सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहाँ से आपको जो टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई तो अगस्त 2014, और इस योजना का उद्देश्य क्या था तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको क्या करना, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना। बस इतनी सी बातों को आप याद रखोगे, इसके अलावा मेरे ख्याल से यहाँ से याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अब एक आपके क्वेश्चन आएगा भामाशाह से,
हालांकि अभी तो योजना बंद है, आने की कोई संभावना नहीं है। अभी तो जो है भामाशाह को बंद कर दिया, इसका नाम बदल के दूसरा कर दिया है, तो आपके आने की संभावना तो नहीं है। बाकी फिर भी आप याद रखोगे कि जो इसकी शुरुआत है कब हुई है, 2008 के अंदर हुई थी। भामाशाह की कब हुई थी, 2008 के अंदर। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। क्या था, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो इतनी सी बातों को आप याद रखेंगे, इसके अलावा मेरे ख्याल से यहाँ से आपको बातें पता रखने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट जो है आप समझ सकते हो किसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है आपके जितने भी आपके मोबाइल वॉलेट है ना, मोबाइल वॉलेट अब देखिएगा, मोबाइल वॉलेट का आप सभी लोग यूज़ करते हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं हुई। कौन कौन से होते हैं, तो पेटीएम होता है, गूगल पे आपका होता है, और आपके कौन कौन से होते हैं, फोन पे होता है, और अगर मैं बात करूँ तो वोडाफोन एम पैसा, और आपके जो है भीम है, UPI है, और आपका जो है SBI बड़ी है, और आपका ऑक्सीजन, ये फ्रेंड जो भी नाम ले रहा हूँ सारे के सारे किसके उदाहरण है, मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी पैसे हैं उनको डिजिटल माध्यम में आप क्या करते हो वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हो। अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मोबाइल वॉलेट के संदर्भ में जो आप कोड को स्कैन करते हो, वो कोड जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, QR। और QR का मीन्स मेरे फ्रेंड्स आपका क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स होता है। क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स होता है, यानी जल्दी जवाब देना। क्या देना, जल्दी जवाब देना। तो ये इतनी सी बातों को कम से कम आप यहाँ से पता रखोगे। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, उन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ से आपको सभी को रूबरू करवाऊंगा। तो देखिएगा, एक जो है आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से बन सकता है, ये जो आपका यूपीआई को मेरे फ्रेंड्स जो है आपका राष्ट्रीय भुगतान निगम, राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जारी किया गया है। किसको, यूपीआई को राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जारी किया गया है। और एक जो है आपका रुपए है ना, ये मैं कार्ड में आपको बताऊंगा, रुपए कार्ड है, इसको भी मेरे फ्रेंड्स किसके द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रीय भुगतान निगम, है ना, किसके द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये जो है आपके कार्ड का प्रकार है, बाकी ये जो मैंने आपके नाम बताए हैं वो सारे के सारे किसके उदाहरण है, मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। अब देखिएगा, एक जो नेक्स्ट आपको जो यहाँ से क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। यहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जो आपका डेबिट कार्ड होता है वो तो फ्रेंड्स क्या होता है, जस्ट आपका ATM होता है जिससे आप अपने पैसों को बाहर निकालते हो, और जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है ये बैंक के द्वारा जारी होने वाला कार्ड है जिसके अंदर आप जो है अपने पैसों को शॉपिंग वगैरह के लिए रख सकते हो, है ना। तो जो डेबिट कार्ड है उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन आता है कि डेबिट कार्ड के अंदर जो 3 अंकों की जो संख्या होती है उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, CVV बोला जाता है, और इस CVV का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू होता है। इसके अलावा मेरे फ्रेंड जो है आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो रुपए कार्ड है वो भी क्या है, एक प्रकार का डेबिट कार्ड है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, भारत सरकार में भी किसके द्वारा, राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा, यानी कि NPCI। तो ये इतनी सी बातों को यहाँ से याद रखेंगे। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपको एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, POS का पॉइंट ऑफ सेल, POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल। अब ये क्या होता है, एक मशीन होती है जो क्या करती है, इसका पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, हो सकता है आपको भी पूछा जाए। ये क्या करती है, एक मशीन होती है जो आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके आपको पैसों का भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। एक जो मेरे फ्रेंड्स आपकी होती है USSD, यानी कि इसका जो पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या है इसका पूरा नाम, USSD का अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। एक मेरे फ्रेंड्स तो आपको यहां से पूछा जा सकता है AEPS, यानी कि आधार इनेबलेड पेमेंट
सिस्टम। और क्या पूछा जा सकता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए यूएसएसडी तो आपका क्या होता है, कीपैड वाले मोबाइल के अंदर आपको एक नंबर डायल करने होते हैं *99#, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने बैंक के खाते की जो इंक्वायरी है अपने मोबाइल से कर सकते हो। जो आधार इनेबल्ड सिस्टम है इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, आधार के द्वारा प्रमाणित करके आपको अपने अकाउंट से पैसों को निकालने में मदद करता है। ये फ्रेंड्स जो भी है सारी की सारी AEPSB मशीन है, POSB आपकी मशीन है। तो ये जो आपके डिजिटल भुगतान से संबंधित जो भी बातें थी मैंने यहाँ से कर दिया, बाकी मेरे फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो अपन पार्ट को करेंगे, आपके टॉपिक को करेंगे, वो छठा टॉपिक होगा जो किसके बारे में होगा, ई कॉमर्स के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? ई कॉमर्स के बारे में होगा। अब देखिए कि जो आपको 6 टॉपिक है वो है आपका पूरा का पूरा ई कॉमर्स के बारे में है, वो आपका पूरा का पूरा किसके बारे में है, ई कॉमर्स के बारे में। यानी कि ई कॉमर्स का सबसे पहले तो इसका पूरा नाम पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बताओगे। क्या बताओगे मेरे फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। इसके अलावा आपसे इसके प्रकार पूछेगा, B2C हो जाएगा, B2B हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, C2B हो जाएगा। ये जो 3 प्रकार हैं इसके बारे में आप पता रखेंगे। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। उसके बाद में B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, है ना। प्रश्न देखिए बहुत जल्दी इस क्लास को अपन को करना है क्योंकि अपने पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। इसका हो जाएगा आपका जस्ट क्या हो जाएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगा। अब जो जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है ना, वो सारी के सारी कौन से ई कॉमर्स का उदाहरण है, B2C का, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना। तो यहाँ से आप पता रखेंगे कि भाई जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है वो किस प्रकार के ई कॉमर्स का उदाहरण होती है, तो फिर आप क्या बताओगे, वो आपके B2C का उदाहरण होती है। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ से जो है और यहाँ से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट आपको अगर मैं बात करूँ तो आपके इस टॉपिक में है जो और आपके जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं छठे टॉपिक से, वो आपके एक तो हो सकता है, हाँ, जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कौन कौन सी है ना, फ्लिपकार्ट है, और आपकी जो है अमेजोन है, और आपकी कौन सी है, स्नैपडील है। ये मेरे फ्रेंड जो है आपकी सारी की सारी क्या है, और भी आपको बहुत सारे नाम पता होंगे, Alibaba.com वगैरह, ये सारी की सारी क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण है। यानी कि इनके बारे में कम से कम आप पता रखेंगे तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन कम से कम गलत नहीं होगा। एक मेरे फ्रेंड जो है आपका इस टॉपिक्स में एक और क्वेश्चन आता है, क्लाउड स्टोरेज। और क्लाउड स्टोरेज में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो आपका होता है गूगल ड्राइव होता है, वन ड्राइव कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, और एक जो होता है आपका ड्रॉप बॉक्स। एक मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से कि जो राजस्थान सरकार द्वारा जो संचालित ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है, तो आपकी जो वो आपकी होती है वो कौन सी है, ई बाजार है। एक जो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा छठे टॉपिक से, वो बनेगा जो आपके निजी नौकरी वेबसाइट के बारे में, किसके बारे में, निजी नौकरी वेबसाइट के बारे में, है ना फ्रेंड्स। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपकी कौन कौन सी होती है, नौकरी.com होती है, और आपकी कौन सी होती है, monster.com आपकी होती है, और जो है आपकी जॉब अलर्ट वगैरह ये जो भी है, timesjob.com, तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, नौकरी वेबसाइट है, कौन सी है, निजी नौकरी वेबसाइट है, जो आपको अपने रोजगार के बारे में जानने की सुविधाएं देता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो है आपका छठा टॉपिक है, इसके बाहर भी अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो एक बार जरा आपका सिलेबस को देखने दो, इसके बाद में अगर आपके सामने और भी कोई क्वेश्चन, हाँ एक मॉक का क्वेश्चन बन सकता है, मॉक मेरे फ्रेंड्स अभी आप सभी लोगों को मॉक के बारे में भी बता देते हैं कि मॉक आखिरकार क्या है। तो देखिएगा, हालांकि ये जो भी बातें हैं मैंने फ्रेंड्स आपको सारी की सारी बातें पहले बता चुका हूं मैं, फिर भी आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर एक और मैराथन आनी चाहिए, तो इसके अंदर केवल आपको MCQs के बारे से ही आपको बता रहे हैं। अब देखो मॉक का जो पूरा नाम होता है वो आपका क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन
कोर्स क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो इसका क्या होता है पूरा नाम होता है। अब ये मेरे फ्रेंड जो है आपका मॉक जो है वो कौन सा ई लर्निंग का उदाहरण है, किसका है ई लर्निंग का उदाहरण है, यानी कि जो डिस्टेंस लर्निंग होती है ना वही मेरे फ्रेंड्स आपकी क्या है मॉक है। अब मॉक से जो जुड़ी हुई संस्था है वो आपकी कौन सी है, EDX है, यूडेसिटी है, यूडेसिटी है, कोर्सेरा है, कोर्सेरा है और खान एकेडमी है, यानी कि जो आपके बुक के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, खान एकेडमी, ये जो है आपके EDX हैं, यूडेसिटी हैं, कोर्सेरा हैं, खान एकेडमी, ये सारी की सारी जुड़ी हुई किससे हैं, तो आपकी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ी हुई है। इसके अलावा मॉक से आपको ज़्यादा बातें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक मेरे फ्रेंड जो मैंने आपको नाम लिखा था UPI, और UPI का पूरा नाम कई बार पूछा जाता है तो आप उसके बारे में भी याद रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक भीम का भी याद रखना, भारत इंटरफेस फॉर मनी। फ्रेंड जो भी बातें लिख रहा हूँ सीधे के सीधे क्वेश्चन है, इस पर इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको जो भी लिख रहा हूँ वो सीधे के सीधे आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेरे फ्रेंड्स हैं इस टॉपिक के बारे में, आजीविका पोर्टल है जो आपको रोजगार की सूचनाएं देता है, केवल बोल के बताऊंगा। जो राज ई ज्ञान है वो आपका एक प्रकार का शैक्षिक पोर्टल है जिसके माध्यम से आपको जो है एक प्रकार से शिक्षा क्षेत्र के बारे में आपसे जुड़ा हुआ पोर्टल है। उसके बाद राज ई वॉल्ट, राज ई वॉल्ट, और जो आपका राज ई वॉल्ट है ये मेरे फ्रेंड्स क्या है, एक प्रकार का क्लाउड स्टोरेज है। अभी मैंने आपको जो क्लाउड स्टोरेज बताया था ना, गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स, उसी की बात ही आपका जो राज ई वॉल्ट भी क्या है, एक क्लाउड स्टोरेज है जो किसका है, राजस्थान सरकार का है। किसका है, राजस्थान सरकार द्वारा विकसित क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। क्या है, क्लाउड स्टोरेज है जिसका नाम क्या है, राज ई वॉल्ट। तो ये जो है आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिए, तो यही है आपके छठे टॉपिक के अंदर एक जो है आपका राज ई ज्ञान, सॉरी राज ई साइन, राज ई ज्ञान मैंने आपको बता दिया। राज ई साइन आपका क्या है कि राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक पोर्टल है जिसके माध्यम से मेरे फ्रेंड्स क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर, क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, किसके द्वारा, राजेश साइन के द्वारा। तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं आपके छठा टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से ही आएंगे, इसके बाहर से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अब जो आपका सातवां टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, और जो है सातवां टॉपिक पूरा का पूरा आपका ई गवर्नेंस के बारे में है। किसके बारे में मेरे फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस, आपका जो सातवां टॉपिक है ई गवर्नेंस के बारे में है, ई गवर्नेंस। अब देखो जो ई गवर्नेंस है इसका पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हो जाएगा। इसका जो इसके जो प्रकार होते हैं आपके कौन से होते हैं, G2C होता है, G2B होता है और G2E होता है, और एक आपका होता है G2G होता है। ये इसके चार प्रकार होते हैं। इसका जो G2C का पूरा नाम आपका होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद में अपन इसका बात करते हैं, तो ये जी का मीन्स तो क्या हो जाएगा, गवर्नेंस हो जाएगा। बी का मीन्स आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। इधर जी का मीन्स आपको पता चल गया क्या है, गवर्नेंस है। ई का मीन्स आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय है ना। इसके बाद में G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है ना। तो ये इतने से इनके फुल फॉर्म याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपके, अगर आगे मैं यहाँ से बात करूँ तो आपके ई गवर्नेंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जो मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो आपको इसके बारे में याद रखना राज के बारे में, एक आप याद रखोगे राज AEM के बारे में, राज AEM के बारे में, और एक जो है आपका टॉपिक इसके अंदर और है राज ई साइन मैंने आपको बता दिया। तो यही है राजधरा है ना, राजधरा, राज
गरा, इनके बारे में आप याद रखेंगे। अब जो है आपका राज जो है वो इसका क्या यूजेज है, राज एईएम का क्या है, राज धारा का क्या है, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब मेरे फ्रेंड्स जो आपका राज धारा है वो आपका क्या है कि एक प्रकार से आप बोल सकते हो राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक जीआईएस का उदाहरण है जो आपको क्या करता है कि भौगोलिक इंफॉर्मेशन सिस्टम देने का कार्य करता है, यानी सूचना देने का कार्य करता है ना, यानी भौगोलिक जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक प्रकार से आप बोल सकते हो जस्ट आपका जो गूगल मैप है उसी के बाद जो राजस्थान सरकार ने विकसित किया वो आपका कौन सा है, राजधरा होता है। नेक्स्ट जो है आपका ये जो राज एईएम है ये मेरे फ्रेंड्स आपका क्या है, एंटरप्राइजेस वेब कंटेंट का उदाहरण है, क्या है, एंटरप्राइजेस वेब कंटेंट का उदाहरण है। और रास आपका है बायोमेट्रिक्स जो है आपका एक प्रकार से मॉनिटरिंग और उपस्थित जीपीएस उपस्थिति प्रणाली आपका होता है, यानी जीपीएस और बायोमेट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली आपका कौन सा होता है, रास होता है। तो इनके बारे में कम से कम पता रखना। और यहाँ से जो रास मेक का बन सकता है तो आपका एक प्रकार से गूगल जो है आपका क्लाउड स्टोरेज का ही प्रकार होता है। अगर आपसे पूछा जाता है राज नेट के बारे में तो पंचायत स्तर तक जो है नेटवर्क को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार की पहल है। उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स ई मित्र, और ई मित्र से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना, ई मित्र से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, 2004 में आया है और ये किसका प्रकार है, किस प्रकार के ई गवर्नेंस का प्रकार है, तो G2C का प्रकार है। कौन सा है, G2C का प्रकार है। बाकी मेरे फ्रेंड्स यहाँ से ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भी बातें हैं जो एग्जाम के ऑथराइज्ड बातें हैं जो डायरेक्टली पूछी जाती हैं वही मैं आपसे बता रहा हूँ। उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट है ना वो आपका है राजसंपर्क, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है राजसंपर्क। अब जो राजसंपर्क है ये राजस्थान सरकार द्वारा विकसित एक ऐप है जिसके माध्यम से जो है राजस्थान के जो नागरिक हैं अपनी क्या करते हैं, अपनी शिकायत को दर्ज करते हैं, है ना, शिकायत को क्या करते हैं, दर्ज करते हैं, और जो राजस्थान सरकार है उन नागरिकों की शिकायत का क्या करती है, निवारण करती है, क्या करती है, निवारण करती है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे कि नागरिकों को मुद्दों को हल करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो विकसित आपका ऐप है वो कौन सा है, राजसंपर्क है। अब देखिए राजसंपर्क के अंदर 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूँ तो रजिस्ट्रेशन आपका होता है, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में उसका क्या होता है, मॉडरेशन होता है, मॉडरेशन, उसके बाद में आपका क्या होता है, एलोकेशन होता है, एलोकेशन, और उसके बाद में डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल, और उसके बाद में जो आपका है वेरिफिकेशन, है ना। अब ये मैंने क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और जब भी क्वेश्चन आपसे आएगा ये जो इतने नाम अगर याद नहीं हो तो केवल आप याद रखना कि आपको ऑप्शन में वो क्या देगा, स्क्रूटिनाइजेशन देगा, क्या देगा, स्क्रूटिनाइजेशन देगा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का एक चरण नहीं है। तो 3 नाम कोई भी यहाँ से उठा के दे देगा, 1 नाम आपको क्या देगा, स्क्रूटिनाइजेशन देगा। तो उसमें याद रखना कि भाई स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता, बाकी रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है और वेरिफिकेशन होता है। तो राजस्थान संपर्क के बारे में आपको इतनी सी बातें कम से कम पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका यहाँ से टॉपिक बनता है वो कौन सा बनता है, एपीडीएस, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनेगी। अब देखिएगा एपीडीएस है, एपीडीएस का एक तो पूरा नाम पूछेगा, क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब मेरे फ्रेंड्स ये ईपीडीएस भी किसका है, राजस्थान सरकार का ही है। इसमें क्या किया जाता है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनके क्या करना, राशन उपलब्ध करवाना, क्या करवाना, राशन उपलब्ध करवाना, ये इसका काम है। अब राशन किन किन लोगों को मिलता है, एपीएल को मिलता है और बीपीएल को मिलता है, तो इनका पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा। और पूरा नाम मेरे ख्याल से आप सभी को आता है कि एपीएल का पूरा नाम क्या होता है, अबव पॉवर्टी लाइन होता है, बीपीएल का क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। अब जो क्वेश्चन और बनेगा, एक तो क्या बनेगा, एमएसपी का बनेगा, तो आप क्या पता रखोगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या याद रखोगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और एक आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका क्या बनेगा, FPS, यानी कि क्या है, फेयर प्राइस शॉप, क्या है, फेयर प्राइस शॉप, है ना। तो ये दो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं EPDS के संदर्भ में। MSP क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी कम कीमत पे आपको क्या देना, राशन उपलब्ध करवाना। और जो राशन की दुकानें होती है उनको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, FPS बोला जाता है। और FPS का पूरा नाम आपको
आपका क्या होता है, फेयर प्राइस ऑफ दो वर्गों को राशन मिलता है, एपीएल, एपीएल का मींस क्या है अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का मींस क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन। इससे बाद मेरे फ्रेंड्स जो है आपको ईपीडीएस से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो यही है आपका सातवां टॉपिक, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आठवें टॉपिक में जो है आपको, हाँ तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है 7 टॉपिक तक हमने कर लिया है, किसी कारणवश जो है आपका जो दो पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो है स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि ज़्यादा लेंथी वीडियो बनने पे फिर हमको भी अपलोड करने में समस्या आती है। तो आप सभी विद्यार्थियों के हित के लिए फ्रेंड्स एक की जगह अब दो वीडियो बनेंगे, तो आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो फ्रेंड्स अपन ऐसे ही आपकी तैयारी को धुआंधार तरीके से आपको 3 अक्टूबर के दिन 90 क्रॉस करवाने की फ्रेंड्स की पूरी गारंटी संध्या टीम की रहेगी। इसलिए आप सभी लोग इस चैनल पे विश्वास कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। अब जो है सर आपसे कुछ बोलेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स जो है आपका नेक्स्ट पार्ट है जो आपको कल देखने को मिल जाएगा, जो 8 से लगा के 16 टॉपिक तक होगा। देखिए फ्रेंड्स आरएसआईटी टॉपिक काफ़ी लंबे चौड़े हैं, हम नहीं चाहते कि मतलब कोई आपका टॉपिक पीछे रहे, इसलिए इस जो महामैराथन वीडियो के हम पार्ट दो बना रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं फ्रेंड्स कि आपको 1 नंबर टॉपिक से 7 नंबर टॉपिक तक यहाँ पे आपको करवा दिया है। कल हम मिलेंगे एक बहुत बड़ी और भी एक महामैराथन के साथ में, जिसमें टॉपिक नंबर 8 से 16 टॉपिक तक संपूर्ण यहाँ पे हम पूरी आपके सामने एक क्लास रखेंगे। फ्रेंड्स ये जो क्लास रहेगी दोनों वीडियो, ये परीक्षा की खोपड़ी में सेध करने वाली होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है, इसी जोश और जुनून के साथ में कल वापस आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम दिखेंगे। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एक आपके हाथ में टारगेट होना चाहिए कि फ्रेंड्स युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, है राणा का वंशज फेंक जहां तक बाला जाए। फ्रेंड्स इसी जोश और जुनून के साथ में मिलते हैं कल एक और भी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।